माही आवेगा ते मैं पिज्जा बनावांगी, उनू गल्लां विच ला के सारा आप ही खा जावांगी। खड़ खड़ करके बर्तन धोना भी एक आर्ट है, ताकि घर में मौजूद तमाम कानों तक आवाज और दिमाग तक आगाही पहुंचे के काम चल रहा है। एक पठान लेडीज वार्ड में एडमिट हो गया, एक नर्स ने देखा तो बोली कि तुम्हें शर्म नहीं आती? पठान, अरे इसमें शर्म कैसा, हम तो पैदा भी लेडीज वार्ड में हुआ था। बाबा जी फरमाते हैं कि हमारे नमूने खाने से पहले हाथ नहीं धोते, लेकिन खाने के बाद जरूर हाथ धोते हैं, ताकि मोबाइल फोन को दाग ना लगे। मेरी तमाम लड़कियों से गुजारिश है कि कपड़े धोते हुए अगर अपने भाई की शर्ट की जेब से लाइटर, सिगरेट या कोई भी मशकूक चीज बरामद हो, तो डायरेक्ट अब्बा जान को बताने से पहले भाई से बातचीत कर लें। आपका भाई यकीनन इन मामूली चीजों को हजार बार 100 रुपए में खरीदेगा। बाबा जी कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर 15 मिलाओ तो पुलिस आ जाती है, और अगर 1502 तो पुलिस चली भी जाती है। एक लड़का छुपकर काफी देर से फोन पर एक लड़की से बात कर रहा था। खानदान के एक बुजुर्ग ने देखा तो बोले कि बेटा क्या ये हमारी तहजीब है? लड़का, नहीं अंकल, ये दूसरी गली में रहने वाली बिल्किस है। एक ही चीज ऐसी है जो मैं कल पर नहीं छोड़ सकता, और वो है आराम करना। पुलिस वाला अपने बेटे से, तुम्हारा रिजल्ट बहुत बुरा आया है, आज से तुम्हारा खेलना और टीवी देखना बंद। बेटा, ये पकड़ो 50 रुपए और इस बात को यहीं खत्म कर दो। इतनी खुशी तो ढेर सारी मूंगफली खाने की नहीं होती, जितनी आखिर में छिलकों में से मूंगफली मिलने की होती है। बाबा जी कहते हैं कि पाकिस्तान में हर बंदे के अंदर एक फुटबॉल प्लेयर छुपा होता है, जो सिर्फ और सिर्फ खाली बोतल या फिर जूस का डब्बा देखकर ही जाहिर होता है। बाबा जी कहते हैं कि सबसे ज्यादा शर्मिंदगी तो उस वक्त होती है जब आप उधार देकर अपनी ही दी हुई रकम वापस मांगते हैं। मत ढूंढो मुझे इस दुनिया की तन्हाई में, सर्दी बहुत है, मैं हूँ अपनी रजाई में। बाबा जी कहते हैं कि छोटी छोटी चीजें हमेशा बहुत ही ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसा कि आप पहाड़ पर तो बैठ सकते हो मगर सुई पर नहीं। कुछ मर्द सर्दियों में ऐसे चादर लपेटते हैं कि दूर से देखने पर गुमान होता है कि कोई हसीना शर्माती हुई आ रही है। बीवी अपने शौहर से, मैंने कहा जी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? शौहर, इतनी मोहब्बत जितनी के शाहजहान को मुमताज से थी। बीवी खुशी से, ओ सच्ची, तो क्या तुम मेरे मरने के बाद मेरी याद में ताजमहल बनवाओगे? शौहर, अरे मेरी जान, मैंने तो प्लाट भी खरीद लिया है, अब सिर्फ तुम्हारी तरफ से ही देर है। शादी की पहली रात शौहर बीवी से, देखो बड़ों की इज्जत करना, बच्चों से शफकत, बुजुर्गों का एहतराम, रिश्तेदारों का इकराम, मुलाजमा को बहन, माली को बाप, सुबह सबको सलाम, दोपहर को कुछ आराम, तकरीब में सादगी, लहजे में नरमी, बात शास्ता, निगाह नीची, खाना सीधे आस्ते, मैके में घर की इज्जत और वकार, बीवी कमरे का दरवाजा खोलकर, सब अंदर आ जाओ, यहाँ दर्द हो रहा है। एक डॉक्टर साहब पागल खाने के इस्तेमाल का मुआयना करते हुए एक वार्ड में पहुंचे तो वो बिल्कुल खाली था, तो डॉक्टर ने हैरत से पूछा कि क्या इस वार्ड में कोई मरीज दाखिल नहीं है? तो उनके साथ चलने वाले ड्यूटी ऑफिसर ने बताया कि सर इस वार्ड में मरीज तो मौजूद हैं। तो डॉक्टर ने पूछा, तो फिर मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? ऑफिसर, दरअसल इस वार्ड में इत्तेफाक से सिर्फ वही मरीज दाखिल हैं जो पेशे के लिहाज से मोटर मैकेनिक हैं, और वो सब इस वक्त अपने अपने बेडों के नीचे लेटे हुए हैं और अपने ख्याल में गाड़ियों की मरम्मत कर रहे हैं।
अरे यार क्या मुसीबत है, रजाई के अंदर मुंह करो तो सांस नहीं आता, बाहर करो तो मुंह कहता है मुझे क्यों निकाला। शौहर बीमार था तो बीवी ने खून की बोतल दी। डॉक्टर ने कहा मुबारक हो आपका खून मिल गया है। शौहर, अरे डॉक्टर साहब मिलेगा कैसे नहीं, 20 साल से तू मेरा खून पी रही है। प्यार करने वाले यू फोन से बात करते हैं, कंजूस लोग जोंग से बात करते हैं, अमीर लोग जैज से बात करते हैं, खूबसूरत लोग वारद से बात करते हैं, जिद्दी लोग टेलीनार से बात करते हैं, लेकिन जहीन लोग काली नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ मैसेज करते हैं। मुझसे किसी ने कहा कि तुम अब बहुत बदल गए हो, तो मैंने कहा कि तुम्हारे रवैयों ने बदला है, वरना मेरे अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर था जो अपडेट हो गया है। आजकल के बच्चे अगर जिद करते हैं तो उनके वालिदैन उनको पिज्जा और बर्गर खिलाते हैं, और जब हम बचपन में जिद करते थे तो चपेड़े खाया करते थे। जब लड़कियों को प्यार होता है तो उनके घर वाले पूछते हैं कि कौन है वो गधा, और जब लड़कों को प्यार होता है तो घर वाले पूछते हैं अबे गधे कौन है वो लड़की। बाबा जी कहते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें ऐसी हैं जिनको कभी सर्दी नहीं लगती, एक है बर्फानी रीच और दूसरी वो लड़की जो शादी पर जा रही हो। मेरा एक दोस्त है जो मुश्किलों में घबराता नहीं और सर्दियों में नहाता नहीं। एक ठरकी रात को जंगल से गुजर रहा था कि उसको अजीब सी आवाजें आईं, तो ठरकी ने पूछा कौन है, तो आगे से जवाब आया डाइन। ठरकी बोला ते फेर चिमड़ी क्यों नहीं। सिलाई एक ऐसी मुसीबत है जिसे आए वो भी पछताए और जिसे ना आए वो भी पछताए। क्या आपको पता है कि इधर की बात उधर पहुंचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें बनी हैं, एक ईमेल और दूसरी फीमेल। एक लड़की मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं अंदर से टूट चुकी हूँ, बिखर सी गई हूँ, मुझे बेचारी पर बहुत तरस आया और मैंने पानी में एल्फी घोल कर पिला दी, तब से कुछ बोल नहीं रही। एक मक्खी एक गंजे आदमी के सर पर जाकर बैठी, दूसरी मक्खी ने देखा और बोली कि वाह क्या घर मिला है तुझे, तो पहली मक्खी बोली अरे नहीं अभी तो सिर्फ प्लाट ही खरीदा है। बाबा जी कहते हैं कि दूसरों की मदद करने का वक्त किसी के पास भी नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में टांग अड़ाने का वक्त सबके पास है। दो अरबी एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, तो करीब से एक पंजाबी गुजरा और बोला कि कारी साहब हमें भी दुआओं में याद रखना। बीवी का हाथ लगने से गुलदान टूट गया। 2 घंटे के बहस मुबासे के बाद ये फैसला हुआ कि 2 साल पहले शौहर ने गुलदान को गलत जगह पर रखा था।